मिशन 2022 इस दिन उतरेगी अखिलेश की साइकिल फील्ड में। महामारी, बेरोजगारी और प्रदेशियों की लाचारी के बीच जनता इस बार बदलाव के मूड में है। फील्ड सेट है, लेकिन ग्राउंड पर प्लेयर कब उतरेंगे, जनता इस बात को लेकर उत्सुक है। गांव कस्बों में पेड़ के नीचे पत्ते फेरते चुनावी जानकार तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि सपा और बीजेपी के अंदर खाने सेटिंग हो गई है, लेकिन चुनावी पंडितों के रात में देखने वाले ख्वाबों की तरह ये कयासों पर जल्दी विराम लगने वाला है, क्योंकि अखिलेश आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 के लिए नया नारा गढ़वाया है, नई हवा है, नई सपा है। अखिलेश यादव के करीबियों ने न्यूज नाउ इंडिया को बताया अपनी पार्टी का मुकाबला योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा से होने वाला है। सपा के रणनीतिकार को भरोसा है कि नई हवा है, नई सपा है के आगे अब की बार फिर योगी सरकार के दावों की पूरी हवा निकल जाएगी। सपा के अन्य रणनीतिकार भाजपा और बसपा को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। टीम अखिलेश के लिए नारा गढ़ने, गाने और प्रचार सामग्री में लगे सूत्रों का कहना है कि हमें तो नवंबर दिसंबर महीने का इंतजार है, क्योंकि अभी पत्ते खोल देने से भाजपा और उसके रणनीतिकार सतर्क हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। चुनाव की तारीख नजदीक आने दीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे भाजपा का भ्रम दूर हो रहा है। अखिलेश यादव की योजना नवरात्र के बाद पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने और रथ यात्रा करने की है। इसी के साथ प्रदेश समाजवाद रंग में रंग जाएगा।